नमस्कार दोस्तों, आज हम मैच कवर करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में जो दूसरा ओडीआई मैच खेले जाने वाला है 29 जुलाई को। टाइम के बारे में बात करें तो दोस्तों 7 बजे यह मैच स्टार्ट होगा। तो क्या आज की हमारी फैंटेसी टीम रहेगी, कैप्टन वॉइस कैप्टनसी कौन से प्लेयर को ट्राई करना है, क्या आज के मैच में जडेजा 3 विकेट निकाल सकता है, क्या कुलदीप यादव आज के मैच में इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले पिच के बारे में बात करता हूं कि पिच किस प्रकार से रहेगी, ताकि आपको पिच के बारे में पूरी नॉलेज मिले और उसके बाद आप एक यूनिक ग्रैंड लीग टीम भी क्रिएट कर सको। तो दोस्तों पिच आपको बॉलिंग पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर 45 मुकाबले खेले जा चुके हैं, 19 मुकाबले जो पहले बैटिंग करती है उस टीम ने विन किए हैं और 26 मुकाबले जो सेकंड बैटिंग करती है उस टीम ने विन किए हैं। तो दोस्तों पिच रिपोर्ट आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको ऐसी अमेजिंग टिप्स बताऊंगा, 2-3 ऐसे प्लेयर भी बताऊंगा जिसका आज के मैच में कम परसेंट सिलेक्शन है और आप उनके ऊपर कैप्टन वॉइस कैप्टनसी लगा लेना। एवरेज स्कोर आपको 205 के करीब देखने को मिल सकता है। वेस्ट इंडीज की टीम ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है 360 रन का और आयरलैंड की टीम ने सबसे लोएस्ट स्कोर किया है ओनली 91 रन का। स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे, 14 बार 200 से नीचे स्कोर बन चुका है और 200 से 250 के बीच में 12 बार, 250 से 300 के बीच में 14 बार और 300 से भी ऊपर दोस्तों यहां पर 5 बार स्कोर बन चुका है। बॉलिंग सेक्शन के बारे में बात करें, लास्ट के 6 मैचों के बारे में पेसर्स को 49 विकेट, स्पिनर्स को यहां पर 42 विकेट मिल चुकी है। तो ओवरऑल की बात करूं तो पिछले मैच में स्पिनर्स ने 10 विकेट ली है, क्या आज के मैच में भी स्पिनर्स विकेट निकाल पाएंगे, क्या आज के मैच में यहां पर कुलदीप यादव 4 विकेट ले पाएगा, उसके बारे में भी दोस्तों आगे बात करेंगे। आपको एक चीज नोट करनी है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको रीसेंट मैचों के बारे में यहां पर बता देता हूं कि क्या स्कोर रहा है, पेसर्स ने कितने विकेट ली है, एवरेज स्कोर कितना गया था और स्पिनर्स ने कितनी विकेट ली है। तो दोस्तों रीसेंट में वेस्ट इंडीज वर्सेज इंडिया के बीच में पहला ओडीआई मैच, इसमें 4 विकेट पेसर्स लेके गए और 10 विकेट यहां पर स्पिनर्स निकाल के लेके गए। यहां पर 114 रन का टारगेट दे पाई वेस्ट इंडीज की टीम। वेस्ट इंडीज वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच में यहां पर 4 विकेट स्पिनर्स ने निकाली, 9 विकेट पेसर्स ने। ये 2022 के मैच है दोस्तों। और यहां पर न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज का एक और मैच है, 8 विकेट स्पिनर्स, 11 विकेट पेसर्स। फिर न्यूजीलैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज का मैच, 9 विकेट पेसर्स और 6 विकेट स्पिनर्स। अगर ओवरऑल की बात करें तो आज के मैच में भी आपको 8-9 विकेट स्पिनर्स निकालते हुए नजर आएंगे और 5 से 6 लगभग मेरे अकॉर्डिंग 7-8 विकेट आप मान सकते हो आज के मैच में पेसर्स निकालते हुए नजर आएंगे। ये यहां पर आपको पिच रिपोर्ट का पूरा डाटा यहां से कंप्लीट होता है। और अब बात करते हैं कि कौन सी टीम कितने मैच विन कर पाई है अभी तक। जो हेड टू हेड के मैच 10 मैच खेले गए हैं उसमें इंडिया की टीम ने 9 बार मैच को विन किया है, एक ही बार यहां पर वेस्ट इंडीज की टीम ने मैच को विन किया है। रिसेंट में इंडिया की टीम आपका पता है कि विन करके आ रही है पहला ओडीआई मैच। तो आपको क्या लगता है कि दूसरा ओडीआई मैच कौन सी टीम विन करेगी, वेस्ट इंडीज या इंडिया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स में कि कौन सी टीम आज का मैच विन करेगी। तो दोस्तों आपको एक चीज यहां पर नोट करनी है, अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो आपके ये 3 प्लेयरों के ऊपर कैप्टन वॉइस कैप्टनसी होनी चाहिए, अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो। अगर बॉलिंग करती है तो आप यहां नीचे आप कैप्टन वॉइस कैप्टनसी ट्राई करना। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में भी बताया था जो पहला ओडीआई मैच हुआ था, अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करती है तो आपको कैप्टन वॉइस कैप्टनसी स्पिनर्स में ट्राई कर लेना या ऑलराउंडर में। अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो आपका कैप्टन वॉइस कैप्टनसी यहां पर होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों में से एक प्लेयर शतक जरूर मारेगा, ग्रैंड लीग में आप ट्राई जरूर कर लेना। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं रीसेंट मैचों के बारे में कि रीसेंट में क्या परफॉर्मेंस करके गया है प्लेयर। तो रीसेंट में रोहित शर्मा 12 रन हेड टू हेड में, दोस्तों इसका 57 का एवरेज स्कोर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये। वेन्यू के बारे में बात करें तो 12 का एवरेज स्कोर है, तो ओपनिंग बैट्समैन पहले ओडीआई मैच में ईशान किशन और शुभमन गिल देखने को मिले थे। तो शुभमन गिल ने 7 रन यहां पर बना के आया है और यहां पर टेस्ट मैच में भी इतना अच्छा स्कोर नहीं है, अभी रिसेंट में भी 7 रन है। फिर 39-129, 42-104 हेड टू हेड में भी अच्छा स्कोर है, 70 का एवरेज स्कोर है, लेकिन वेन्यू पे एक ही मैच खेला है जिसमें 7 रन है। विराट कोहली के बारे में बात करें, रिसेंट में इसकी बैटिंग नहीं देखने को मिली थी दोस्तों, क्योंकि मैच पहले ही विन हो चुका था और नंबर 5 या नंबर 6 पे आपको ये बैटिंग करते हुए नजर आ सकता था अगर ज्यादा विकेटें निकल जाती तो। और 101 रन नाबाद, फिर 100 रन, 18 रन, 1 रन हेड टू हेड में 66 का एवरेज स्कोर है,
वेन्यू पे अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में 19 फिर 61 33 25 रन, नाबाद फिर 7 रन, हेड टू हेड में 25 का एवरेज स्कोर है, वेन्यू पे 19 का एवरेज स्कोर है। ईशान किशन विकेट कीपर या संजू सैमसन दोनों में से एक देखने को मिलेगा, 52 रन 15 14 59 और हेड टू हेड में 40 का एवरेज स्कोर है, वेन्यू पे दोस्तों 52 का एवरेज स्कोर है। हार्दिक पांड्या के बारे में बात करें, रिसेंट में 5 रन 1 विकेट फिर 21 रन नाबाद फिर 28 रन नाबाद फिर 8 रन फिर यहां पर 8 रन, हेड टू हेड में 8 विकेटें निकाल चुका है, वेन्यू पे 1 विकेट ले चुका है, प्लस में हेड टू हेड में 18 का एवरेज स्कोर है। तो ग्रैंड लीग टीम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, आपको बैटिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको ट्राई करना है, सबसे पहले टॉस का वेट करना है, उसके बाद अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी में आप इन प्लेयरों के साथ आराम से लगा सकते हो ग्रैंड लीग टीम में। अगर यहां पर पहले बॉलिंग करती है तो आप हार्दिक पांड्या के ऊपर रिस्क ले लेना कैप्टन वाइस कैप्टनसी का, और यहां पर जो अगला कैप्टन वाइस कैप्टनसी रहेगा वो यहां पर जडेजा के ऊपर आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अभी रिसेंट में 16 रन नाबाद फिर 3 विकेट, 15 रन नाबाद 1 विकेट, 22 रन 2 विकेट, 20 रन 1 विकेट, 20 रन 0 विकेट, हेड टू हेड में 44 विकेटें दोस्तों निकाल चुका है, वेन्यू पे 3 विकेट निकाल चुका है, प्लस में 16 रन है। शार्दुल ठाकुर के बारे में बात करें, रिसेंट में 1 रन 1 विकेट है फिर 2 विकेट है, 1 विकेट है 0 विकेट है, 8 रन 2 विकेट है, हेड टू हेड में 12 विकेटें निकाल चुका है, वेन्यू पे अभी तक एक ही विकेट इसने निकाली है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 मैच में 12 विकेटें अभी तक निकाल चुका है। कुलदीप यादव ने 17 मैचों में 30 विकेट निकाल चुका है अभी तक वेस्ट इंडीज की हेड टू हेड में, और रिसेंट में भी 4 विकेट लेके आ रहा है, वेन्यू पे अभी रिसेंट में 4 विकेट भी ली है। मुकेश कुमार के बारे में बात करें, मुकेश कुमार 1 विकेट लेके आया पिछले मैच में और हेड टू हेड में भी 1 विकेट निकाल चुका है, और यहां पर वेन्यू पे भी 1 विकेट निकाल चुका है। उमरान मलिक ने पिछले मैच में 3 ही ओवर करवाए थे दोस्तों, तो इसको एक भी विकेट नहीं मिली, बैक टू बैक एक भी विकेट नहीं है, लेकिन शायद आज के मैच में अगर पूरे 10 ओवर करवाते हुए नजर आएगा तो आपको 2-3 विकेटें आराम से ये प्लेयर निकाल के दे सकता है। हेड टू हेड में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि 3 ही ओवर में एक भी विकेट इसको नहीं मिली थी। ये हमारे इंडिया के प्लेयर परफॉर्मेंस आज के मैच के रहेंगे। अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर परफॉर्मेंस, कौन कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ब्रेंडन किंग रिसेंट में 17 रन फिर 10 रन 100 रन 22 रन 76 रन, हेड टू हेड में 22 का एवरेज स्कोर है, वेन्यू पे दोस्तों 8 का एवरेज स्कोर है। इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन है और कहीं ना कहीं आज का मैच वेस्ट इंडीज की टीम विन करने की पूरी कोशिश करेगी। केएल मायरस के बारे में बात करें, रिसेंट में 2 रन है 18 रन है 2 विकेट है 5 रन 0 विकेट है 56 रन 1 विकेट है 1 रन 1 विकेट है, हेड टू हेड में 2 विकेटें निकाल चुका है, वेन्यू पे 28 का एवरेज स्कोर है। अगर यहां पर बात करें, ये दोस्तों आपके लिए नीचे के जो प्लेयर हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका हेड टू हेड स्कोर गजब का है। अब यहां पर एलिक के बारे में बात करें, रिसेंट में 22 रन फिर 65 रन और हेड टू हेड में 22 का एवरेज स्कोर है, वेन्यू पे भी इसका 22 का एवरेज स्कोर है। एस होप आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, रिसेंट में 43 रन है फिर 2 विकेट है फिर 63 रन नाबाद है फिर 13 रन है 47 रन है, हेड टू हेड में 46 का एवरेज स्कोर है, वेन्यू पे भी दोस्तों इसका 30 का एवरेज स्कोर है। वेन्यू पे 11 मैच खेल चुका है और हेड टू हेड में 24 मैच खेल चुका है। हेटमायर के बारे में बात करें, हेटमायर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में 11 रन फिर 36 रन नाबाद है 23 रन 46 रन 35 रन, हेड टू हेड में 42 का एवरेज स्कोर है और वेन्यू पे दोस्तों इसका 27 का एवरेज स्कोर है। तो दोनों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रोमन पोवल एक मैच में 105 रन की भी पारी है, रिसेंट में भी बैक टू बैक फ्लोप रहा है 2 मैचों में फिर 29 रन है, हेड टू हेड में ओनली 13 का एवरेज स्कोर है, वेन्यू पे भी 4 का एवरेज स्कोर है। यहां पर हेटमायर और एस होप और एलिक तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप एक ही प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, या केएल मायरस या फिर ब्रेंडन किंग, ठीक है दोस्तों ग्रैंड लीग टीम में। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में, कि बॉलर्स में कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहां पर बॉलर के बारे में बात करें, यहां पर सेपरेट रिसेंट में फ्लोप रहा था फिर 26 रन फिर यहां पर 3 विकेट 36 रन 1 विकेट फिर यहां पर कोई परफॉर्मेंस नहीं फिर 1 विकेट, हेड टू हेड में अभी तक 2 विकेट निकाल चुका है, वेन्यू पे 0 विकेट है, 2 मैच खेल चुका है जिसमें अभी तक 8 ही रन है और हेड टू हेड में ओनली 3 मैचों में 53 रन है। ये आपको ऑलराउंडर सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर मैं इसको अभी के लिए ड्रॉप करने वाला हूं। डोमिनिक डार्क्स रिसेंट में 3 रन 23 रन 2 विकेट फिर यहां पर 2 विकेट फिर यहां पर भी 2 विकेट है, 8 रन 0 विकेट है, हेड टू हेड में 3 रन है और वेन्यू पे भी 3 रन है। तो मैं इस प्लेयर को भी ड्रॉप करूंगा, कहीं ना कहीं मैं इस प्लेयर को अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकता हूं। यहां पर ये प्लेयर आपके लिए तीनों प्लेयर इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि यानिक रिसेंट में 1 विकेट फिर 4 विकेट फिर 4 विकेट फिर 2 विकेट फिर 1 विकेट, हेड टू हेड में 1 विकेट ले चुका है, वेन्यू पे अभी तक 4 विकेट निकाल चुका है,
चार मैचों में दोस्तों, लगभग यहां पर ओवरऑल पर मैच में एक विकेट आप मान सकते हो। गुरदेस के बारे में बात करें, रिसेंट में भी बैक टू बैक दो विकेटें लेके आ रहा है, रिसेंट में हेड टू हेड में चार विकेटें निकाल चुका है, वेन्यू पे दोस्तों दो विकेट इसके नाम है। अब यहां पर शैलेश के बारे में बात करें, रिसेंट में एक विकेट फिर फ्लॉप, फिर एक विकेट फिर फ्लॉप, फिर फ्लॉप, हेड टू हेड में दो विकेट निकाल चुका है, वेन्यू पे एक विकेट इसके नाम है। तो यहां पर ये तीनों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। यहां पर ग्रैंड लीग टीम में शायद आज के मैच में आपको ये प्लेयर ग्रैंड लीग टीम में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये फाइनल यहां पर वेस्ट इंडीज के प्लेयर परफॉर्मेंस है। आपको एक चीज तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, अब भी बता रहा हूं, अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो कैप्टन वॉइस कैप्टनसी आप यहां पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और एक जो दूसरा प्लेयर है वो शुभमन गिल, ठीक है, तीन प्लेयरों के ऊपर आप कैप्टन वॉइस कैप्टनसी कंफर्म ट्राई करना, क्योंकि तीनों में से एक ना एक बैटिंग ऑर्डर आपको कम से कम 100+ का स्कोर आपको देखने को मिलेगा अगर पहले बैटिंग करती है। तो अगर बॉलिंग करती है तो आप कैप्टन वॉइस कैप्टनसी यहां पर ट्राई कर लेना। जडेजा या हार्दिक पांड्या भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। कुलदीप यादव है, इसको आप वीसी में ट्राई कर सकते हो। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो एलिक है, एस होप है, यानिक है और गुरदेश है, तो आप इसके ऊपर भी वीसी में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपको कम से कम दो तीन विकेटें तो आपको निकाल के दे सकता है। तो ये दोस्तों फाइनली फैंटेसी टॉप पिक प्लेयर रहेंगे। और आज की जो हमारी फाइनल फैंटेसी टीम रहेगी उसमें मैंने कैप्टनसी अभी के लिए जडेजा को ट्राई करने वाला हूं, वॉइस कैप्टनसी शुभमन गिल को ट्राई किया है, क्योंकि ये मेरी अभी फाइनल फैंटेसी टीम नहीं है, क्योंकि मैं ओनली ये बैटिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे इंडिया की टीम पहले बॉलिंग कर रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्राई किया है। अगर बैटिंग करेगी तो यहां पर कैप्टनसी आ जाएगी मेरी, या फिर मैं विराट कोहली को कंफर्म कैप्टनसी में रखूंगा, वो इस कैप्टनसी में शुभमन गिल के ऊपर ट्राई करने वाला हूं। तो दोस्तों ये मेरी आज की फाइनल फैंटेसी टीम रहेगी। और कोई अपडेट आएगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फटाफट से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना बैक टू बैक अपडेट के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।